हमारा देश धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। हर धर्म हर मजहब के लोग आजादी से जीते हैं। धर्म कोई भी हो, हर धर्म प्यार से रहना सिखाता है, मिलके जीना सिखाता है। श्रद्धा भावना हमारी जीवन शैली के दो अटूट अंग हैं। हम जैसे भी जिएं, भक्ति पूजा एक निश्चित व्यवहार है। विशेषकर हमारे यहां की नारियां अत्यधिक श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हैं। नारी भक्ति का प्रतीक है, नारी शक्ति का प्रतीक है। नारी जब मां बनकर पूजा शुरू करती है तो भावना का संचार होता है। नारी जब बेटी बन दीप जलाती है तो प्रसन्नताएं एकत्रित होती हैं, और नारी जब पत्नी बन अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है तो उसकी पूजा प्रार्थना की परिपूर्णता जीवन को नए आयाम देती है। पति के प्रति स्नेह भाव, प्रेम भाव, आदर भाव और ईश्वर भाव का ही प्रतीक है करवा चौथ का व्रत, भारत की हर नारी का एकमात्र आवश्यक व्रत। इस दिन पत्नी व्रत या उपवास कर पूरे दिन निर्जल रहकर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती है। पति के चरणों में शीश नवाकर धन्य धन्य हो जाती है। परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती है और सारा जीवन पतिमय होने की प्रेरणा ग्रहण करती है। करवा चौथ का व्रत यानी पति के प्रति पत्नी के सर्वश्रेष्ठ समर्पण का व्रत। जो सौभाग्यवती नारियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा यश की प्राप्ति करेंगी। करक मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंच रत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी लें। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी करवा चौथ का व्रत रखेंगी वो सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरारा हे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये व्रत सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवन, वो करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहां पर सदैव ही वेदत ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थरपुर नामक शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की
एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान किया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्रियों भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वो वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर एक वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देवकन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वो वीरवती के पास चली गई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको ये फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहां आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्थ दे दिया, इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से
संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया।